रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान में बस पलटने से 30 लोग घायल, जयपुर। राजस्थान के दौसा जिले के राजगढ़ के पास आज रेलवे फाटक पर खड्डी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस के अचानक पीछे सरकने के दौरान असंतुलित होकर पलट जाने से 30 यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल बस के परिचालक जबूराम को पहले राजगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई और यात्रियों में बस से बाहर निकलने के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बस के आगे पीछे के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। बस चालक सावन लाल सैनी के अनुसार रहणी से जयपुर की ओर आ रही यह बस बांदीकुई सड़क मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रेलवे फाटक बंद होने के कारण गियर में खड्डी थी। इसी दौरान बस का गियर किसी कारण से हट गया और बस पीछे की ओर सरकने लगी। बस चालक ऐसी स्थिति में बस के पीछे खड़े वाहनों को बचाने के प्रयास में बस ढलान में उतार रहा था, तभी नाले में पलट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।